Good morning, students. Today I am going to teach chapter 2 in grammar portion. जो हमारा chapter 2 है उसका grammar portion हम देखते हैं, English grammar portion. उसकी मैंने आपको pics send की थी करने के लिए. Write these naming words in the correct columns. आपका ये जो columns में words दिए हैं और नीचे कुछ column बनाए गए हैं, 1, 2, 3. ये तीन कॉलम नीचे दिए हैं और एक कॉलम ऊपर दिया हुआ है. तो कॉलम में जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इनको करेक्ट कॉलम में ही आपको लिखने हैं. तो ये एनिमल्स का कॉलम है, ये थिंग्स का कॉलम है और ये प्लेसेस का कॉलम है. एनिमल्स मतलब कोई भी जीव जंतु हो, उसको आपको इसमें उसका नाम लिखना है. बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, सब इसी में आएंगे. थिंग्स मतलब कोई वस्तु हो, वस्तु का नाम इसके अंदर आएगा. और कोई प्लेस हो, कोई जगह हो, तो उसका नाम इसमें आएगा. नेक्स्ट, सर्कल द वर्ड इन ईच सेट इज नॉट अ नेमिंग वर्ड. आपको जो वर्ड्स दिए हैं इसमें से जो अलग से है उसको आपको इसमें सर्कल करना है. जैसे फॉर एग्जांपल, लॉइन, टाइगर, बियर और जैकाल, वाइल्ड और जैकाल. लॉइन माने शेर, टाइगर माने चीता, बियर माने भालू और जैकाल. बट वाइल्ड मीन्स क्या होता है, जंगली. तो जंगली कोई जानवर तो है नहीं है. बाकी के लॉइन, टाइगर, बियर, जैकाल ये सब जानवर हैं. बट वाइल्ड इज़ नॉट एनिमल्स. जो वाइल्ड जानवर का नाम नहीं है, वाइल्ड मैंने जंगली, तो वो अलग है, इसलिए हम उसको वर्ड्स को सर्कल करेंगे. तो इनमें से जो वर्ड्स हमारा अलग है उसको ही हमें सर्कल करना है. नेक्स्ट, टिक द वर्ड्स दैट शुड बिगिन विद कैपिटल लेटर्स, पुट अ क्रॉस अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स. मतलब जो वर्ड आपको कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए उसको आपको करेक्ट करना है. किसी प्लेस का नाम हो, किसी फेस्टिवल का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, है तो इन सब चीज़ों को हम कैपिटल लेटर्स में ही लिखते हैं. तो दिवाली को हम कैपिटल लेटर्स में ही लिखेंगे. आगरा कोई प्लेस है, इसको भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे. तो ये एक्सरसाइज इस तरीके से करनी है. नेक्स्ट है, अंडरलाइन द स्पेशल नेम्स इन दिस सेंटेंस. आपको जो कोई स्पेशल नेम दिया हुआ है उसको आपको अंडरलाइन करनी है. तो माय नेम इज श्यामा. तो जो श्यामा है वो उसको अंडरलाइन करना है. सिंदबाद वॉज सेलर फ्रॉम बगदाद. तो सिंदबाद और बगदाद दोनों ही नेम है, इसलिए इस पर अंडरलाइन करना है. एंड पॉली लव टॉम. एंड पॉली भी नेम है और टॉम भी नेम है, तो इसको अंडरलाइन करना है. तो इस तरीके से जहाँ जहाँ नेम दिए हुए हैं उसको अंडरलाइन आपको करना है. नेक्स्ट, अंडरलाइनिंग द स्पेशल नेम्स इन दिस पैराग्राफ. अब इस पैराग्राफ में भी आपको कुछ नेम दिए हैं उसको अंडरलाइन करना है. मीना एंड गीता दोनों ही नाम नेम है. आर फ्रेंड्स दे लिव इन विलेज कॉल्ड अवलर. द प्ले अंडर अ बिग ट्री. वन डे अ काउ कम्स एंड लिक्स मीनाज हैंड्स. गीता फीड द काउ सम फ्रेश ग्रास. द काउ इज हैप्पी. तो इसमें ये 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 और ये आपका इसमें नेम है, तो इसको अंडरलाइन करना है. राइट स्पेशल नेम्स फॉर द फॉलोइंग कॉमन नेम्स. आपको इसमें जो ये दिए हुए हैं इनके नेम लिखने हैं. जैसे कार, तो कार का नाम हो गया नैनो. उसके बाद मैगजीन, मैगजीन का नाम इसमें दे दिया फैशन फोकस. कंट्री, कंट्री का नाम इंडिया. न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नाम लिख दो. बहुत सारे नाम के न्यूज़पेपर होते हैं, तो इसमें लिख दिया टाइम्स ऑफ इंडिया. लेक यानी कि झील, तो पुष्कर झील होती है तो उसको पुष्कर लेक. पार्क, ग्रीन पार्क. डे का नाम मंडे और मंथ का नाम जनवरी. तो इसमें आप इस तरीके से एक्सरसाइज करनी है. नेक्स्ट, राइट द शी वर्ड्स ऑफ द गिवन वर्ड्स चूज फ्रॉम द बॉक्स. मतलब जो इसमें ये बताना है कि ये आपका मेल वर्ड्स लिखे हुए हैं और आपको फीमेल में लिखना है. तो फीमेल में जब हम लिखते हैं तो उसमें शी आता है. शी करके ही हम उसके बारे में कुछ बोलते हैं. तो बॉयज़, बॉयज़ के साथ ही लगता है और गर्ल के साथ शी लगता है. तो गर्ल्स जो है वो शी आएगा इसमें, इसलिए गर्ल, बॉय का गर्ल.
प्रिंस का प्रिंसेस, प्रिंसेस के साथ शी लगता है, अंकल आंट, लॉयन लॉयनेस, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, नेप्यू नीज, कॉक हैन, हॉर्स मेयर, पिकॉक पीहेन, ग्रूम ब्राइड, ग्रांड सन ग्रांड डॉटर। ओके, सेम इसी तरह के जो शी वर्ड्स हैं जिसके यूज़ शी में किया जाता है वो इधर लिखनी है, और जो ही में किया जाता है इसका यूज़ वो इस तरफ आपको फिल करना है और इस कॉलम में से ही आपको फिल करना है। नेक्स्ट है, चेंज द अंडरलाइन शी ही वर्ड्स, राइट द न्यू वर्ड्स ऑन द ब्लैंक्स। मतलब आपको जो अंडरलाइन वर्ड्स दिए हुए हैं इनको आपको शी में जो वर्ड आते हैं यानी कि जो फीमेल में आते हैं वो आपको करने है। बॉय का गर्ल, लॉइन लॉइनेस, आंट की जगह अंकल और मेयर की जगह हॉर्स, मेयर माने घोड़ी, हॉर्स मीन्स घोड़ा। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज को आप अपनी टेक्स्ट बुक में कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।